प्यारे दोस्तों, मैथ्स मैजिक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, प्रॉब्लम ऑन एज का। एज के प्रॉब्लम को सॉल्व आप लिख करके भी कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, और लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के हेल्प से। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल सॉल्यूशन हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग उसको मन में कर पाते हैं। और आपको मैं वही सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को विद इन 5 to 10 seconds सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में रेशियो का है। तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि रेशियो पे होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे सर्च करें, और वो बेसिक रेशियो पर बेस्ड है कि कैसे कैसे रेशियो का यूज किया जाता है। सॉल्यूशन तो आप लोग भी करना जानते हैं, बट उसका एप्लीकेशन क्या है उस पर वो वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें ताकि इसका कंसेप्ट भी आपको आसानी से और इजीली समझ में आए। तो आज का जो क्वेश्चंस होगा वो मैंने स्पेशली रेलवे NTPC जो एग्जाम होने वाला है उसी को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, उसका जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस अगर हम लोग डिस्कस करें प्रॉब्लम ऑन एज का, आप ध्यान से समझें। बोल रहा है कि मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ मुकेश एंड सोहन एज 2:3। 12 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात 11:15 है। आफ्टर 12 years, their age 11:15, तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है? Then find present age of सोहन। और इसका ऑप्शंस दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 12 years, सेकंड ऑप्शन है 32 years, थर्ड ऑप्शन है 48 years, और लास्ट ऑप्शन है 24 years। सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट जैसे ही आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में 5 seconds में भी सॉल्व करना सिखा दूंगा। प्यारे दोस्तों, बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश एंड सोहन इज 2:3। अभी क्या है? 2:3 है, तो आप बोलिए 2x 3x है एज। आफ्टर 12 ईयर, तो 12 साल के बाद, तो 12 ऐड कर दिया, 12 साल के बाद ये हो जाएगा। बोल रहा है 12 साल के बाद रेशियो आ जाएगा आपका 11:15। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करने पे आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। आप बोलिए कि सोहन का एज निकालना है, तो सोहन का रेशियो क्या है 2:3 में, 3x इज एज ऑफ सोहन, तो 3 × x कर दीजिएगा, सोहन का एज निकल जाएगा। सोहन का एज हो जाएगा 3x, 3 × x कर दीजिएगा, तो सोहन का एज फाइंड आउट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, 3 × x जो हम लोग कर रहे हैं, तो सोहन का एज मिल रहा है, यानी कि इससे एक कंक्लूजन निकलता है। इसी कंक्लूजन और कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, और ये एप्लीकेशन को आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, ताकि आप मेरे तरीका से सॉल्व कर पाएं और आपका आंसर भी 5 to 10 seconds में निकले। डियर स्टूडेंट्स, ये 3x करने से सोहन का एज निकल रहा है, इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि 3 × something = सोहन एज, मीन्स सोहन का जो भी एज होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। वन मोर टाइम्स, 3 × x करने से सोहन का एज निकलता है, मतलब ये हुआ कि सोहन का जो भी एज होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। प्यारे दोस्तों, अब देखिए कि 2:3 में सोहन का एज 3 units है, तो आप देखिए 3 से कौन कौन डिविजिबल है। 3 से 12 भी डिविजिबल है, 32 तो डिविजिबल नहीं है, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 48 3 से डिविजिबल है, 24 3 से डिविजिबल है, यानी कि ए, सी और डी तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ना पड़ेगा। कई बार तो आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, बोल रहा है कि आफ्टर 18 years देयर एज रेशियो इज 11:5, 15। तो
आफ्टर 12 ईयर 12 साल के बाद जो एज होगा वो 15 से कटना चाहिए, क्योंकि 15 इंटू वाई कर देंगे तो 12 साल के बाद का एज निकलेगा। तो अगर ये सब में से कोई एक प्रेजेंट एज है तो 12 साल के बाद वो 15 से डिविजिबल होगा 100%। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें 12 ऐड कीजिए आ जाएगा 24, ये तो 15 से डिविजिबल है नहीं, ये तो 15 से डिविजिबल है नहीं, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें 12 ऐड करते हैं तो यह आएगा 60, जो कि 12 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 12, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। प्यारे दोस्तों, 24 में अगर हम लोग 12 ऐड करते हैं तो यह आएगा 36, डजंट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 15, 15 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर 48 होगा। आप एक पेन तक टच नहीं करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या था, एप्लीकेशन का। इसी एप्लीकेशन का यूज करना आपको सीखना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में इस टेक्निक को, ट्रिक्स को लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरा मेन टारगेट होता है कि आपको पेन फ्री सॉल्यूशन करना सिखा दो, ताकि आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली 5-10 सेकंड्स में निकाल पाएं। और ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप पेन फ्री सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे, 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस 80% क्वेश्चन तक आप पेन फ्री कर सकते हैं। और आप जब पेन फ्री का हैबिट डेवलप हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को निकाल पाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि ए एंड बी, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी एज 6:5 तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, एंड सम ऑफ देयर एज 44 इयर्स। आपसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 7:6, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 3:4, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 8:7 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 9:8। प्यारे दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में देखिए, एज दिया हुआ है ए बी का 6:5, यानी कि अगर आप एज मानते हैं तो 6x 5x हो जाएगा 11x, सम हो जाएगा 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, यानी x का वैल्यू 4 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 4 होगा तो ये 24 का हो जाएगा, 6x 24, और ये हो जाएगा 20 का। आपसे 8 साल के बाद पूछ रहा है तो 8 साल के बाद 24 वाला हो जाएगा 32 का और 20 वाला हो जाएगा 28 का, यानी वो नंबर होगा 32 बाय 28 कीजिएगा तो 4 से कैंसिल करते हैं तो 8:7 होगा, जो कि ये आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 6x ए का एज मान लीजिए, बी का एज मान लीजिए 5x, 6x प्लस 5x यानी 11x, और 11x इक्वल टू 44 दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 4, जब आप कैंसिल कीजिएगा तो x इक्वल टू 4 कीजिएगा तो इसका एज निकल जाएगा 24, इंटू 4 कर देंगे और इसका एज निकल जाएगा 20। 8 साल के बाद ये हो जाएगा 32 का, 8 साल के बाद ये हो जाएगा 28 का, दोनों का रेशियो 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 8, 4 से कैंसिल कीजिएगा 7, 8:7 आपका आंसर बनेगा। बहुत ही आसान ट्रिक्स और टेक्निक है, आपको इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि लास्ट ईयर ग्रेजुएट लेवल रेलवे एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चंस है कि वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ माया एंड छाया
माया एंड छाया एज 6:5 अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा. After 15 years, this ratio becomes 9:8. तो माया की वर्तमान उम्र क्या है? Find the percentage of माया. माया की वर्तमान उम्र क्या है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 24 years. सेकेंड ऑप्शन है 30 years. थर्ड ऑप्शन है 18 years. और फोर्थ ऑप्शन है 33 years. प्यारे दोस्तों, माया और छाया की उम्र का बात किया गया है. माया का प्रेजेंट एज 6x है, यानी 6 × something करेंगे तो माया का एज आएगा. यानी कि माया का जो भी एज होगा वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. दिस इज द कंक्लूजन. डियर स्टूडेंट्स, 6 से ये डिविजिबल है यानी कि ये माया का एज हो सकता है. 6 से ये डिविजिबल है यानी कि ये भी माया का एज हो सकता है. 6 से ये डिविजिबल है यानी कि ये भी माया का एज हो सकता है. 6 से ये डिविजिबल नहीं है 33, इसलिए ये माया का एज नहीं होगा. अब क्या बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट? बोल रहा है आफ्टर 15 years द रेशियो बिकम्स 9:8. यानी 15 साल अगर हम लोग ऐड करते हैं माया के प्रेजेंट एज में तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो आप देख लीजिए, 15 years अगर हमने ऐड किया तो ये 39 हो जाएगा जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है. 15 years हमने ऐड किया तो ये 45 होगा जो कि 9 से डिविजिबल है. 15 years अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है. प्यारे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम निकालना बहुत ही आसान है अगर आपका मार्गदर्शन सही है. तो अगर आप सही ट्रैक पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. लेकिन अगर आप बिना कोई डायरेक्शन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है. उन्हीं स्टूडेंट लोगों को 2-3-4 साल लग जाता है, लगातार पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलता है. प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है. 10 वर्ष पहले, 10 years ago, the ratio of A and B, 10 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात, the ratio of ages of A and B, age 3:5. उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है. एंड देयर प्रेजेंट एज रेशियो इज 2:3. तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? देन देयर प्रेजेंट एज इज, और इसका ऑप्शंस दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर 1 है 30-50 years. सेकंड ऑप्शन है 20-30 years. फोर्थ ऑप्शन है 40-60 years. फिफ्थ ऑप्शन है 16-24 years. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सेम टेक्निक और ट्रिक्स को आपको यूज करना है, सेम एप्लीकेशन होगा. यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 3:5. 10 साल पहले ए और बी का जो एज होगा उसका रेशियो 3:5 होगा और प्रेजेंट में 2:3 होगा. तो प्रेजेंट में 2:3 होगा. ध्यान देना, 10 साल पहले अगर माइनस करते हैं, 10 ईयर्स अगर माइनस करते हैं तो ये 40 होगा, ये 20 होगा और ये कितना होगा? 40 होगा. 10 ईयर्स अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा आपका 40. तो क्या ये रेशियो 2:3 का होगा? नहीं होगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा.
यार दोस्तों अगर 10 इसमें से अगर आप माइनस करते हैं तो ये 10 अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 10 और ये 20, क्या ये 1:2 का रेशियो देगा? आपको चाहिए 3:5 का रेशियो, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं 10 तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 50, ये 3:5 का रेशियो दे रहा है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। इतना आसान ट्रिक्स ऑन स्क्रीन क्वेश्चन से बनाना है आपको, है ना। यही मैं उम्मीद भी करता हूँ आपसे कि आप मेरे बताए अनुसार मेरे अप्रोच को फॉलो करेंगे और कड़ा मेहनत करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। मैं आपका सिर्फ एक गाइडलाइंस कर रहा हूँ, मार्गदर्शक बन रहा हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा, ओवरऑल मेहनत आप ही को करना है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस आज के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चंस एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज चैप्टर्स में भी हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं और वहां पे सॉल्व करते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोल रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज एज 35 ईयर्स तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:5:7 है एंड रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5:7 3:5:7 सबसे छोटे लड़की की आयु क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट बॉयज, फाइंड द एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय, फाइंड द एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शंस 15, 18, थर्ड है 21 और फोर्थ है 12। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सम ऑफ नंबर बाय टोटल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए एवरेज 3 बॉयज का एवरेज दिया है 35, तो सम कैसे निकालेंगे? एवरेज इंटू नंबर, 35 × 3 करेंगे, 35 × 3 कितना होगा? 105। तो आपका टोटल बॉयज का सम निकल गया 105। अब यहाँ पे देखिए रेशियो दिया हुआ है 357, 357 का अगर हम लोग ऐड करते हैं 7, 5, 12, 3, 15, 15 यूनिट का वैल्यू 105 होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15 यूनिट का वैल्यू 105, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7। और सबसे छोटा कौन है? ये 3 यूनिट वाला, 3 × 7 करेंगे 21 आपका, 21 आपका, 21 आपका एज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसको अगर हम लोग बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? 3 आपका सम हो जाएगा 35 × 3, 105। और अगर आपको निकालना है 357, तो ये इसका जो टोटल सम होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं 3x + 5x + 7x, 7, 5, 12, 3, 15x बराबर, 15x बराबर कितना हो जाएगा आपका 105। कैंसिल करेंगे, 7 बार में जाएगा, x का वैल्यू 7, और सबसे छोटा लड़का कौन है? ये 3, तो 3x क्या हो जाएगा? 3 × 7, 21 इज योर आंसर, 21 ईयर्स इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चंस हमेशा आसान होता है, आपको क्वेश्चंस को बस समझना है, अप्रोच को, अप्रोच अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा आसानी होगा, आप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड, वो क्वेश्चंस हैं पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। सम ऑफ एजेज ऑफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पंकज, अरुण एंड कमल एज 72 ईयर्स 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आफ्टर एट ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज
देयर एज इज 4:3:5। तो आपसे पूछ रहा है अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड कमल। अरुण एंड कमल ऑप्शंस है 16 इयर्स, 14, 18 और लास्ट ऑप्शन है 15। तो दोस्तों ये कुछ इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर विद इन टाइम कर पाएंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। आप लोग तब तक मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। थैंक यू।